वेलकम टू गार्डनिंग विथ नॉलेज हब 2020। फ्रेंड्स, आज मैं आपको मेरे यहाँ जो गुलाब के फूल है इसको दिखाने जा रही हूँ, और साथ ही मैं ये भी बताऊँगी कि इन प्लांट्स को किस तरह केयर करें ताकि इस तरह भर भर के आपको फूल मिले। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, ये जो मेरे प्लांट्स है ये ज़मीन में लगा हुआ है। ज़मीन के प्लांट्स को जिस तरह केयर की ज़रूरत पड़ती है, गमलों के प्लांट्स को भी सेम उसी तरह ही केयर करना पड़ता है। मैं आपको मेरे गमले के प्लांट्स भी दिखाऊंगी और जो केयर का तरीका है वो सेम है, लगाने का जो तरीका है वो सेम होता है। तो ऐसा मत सोचिए कि जो ज़मीन में प्लांट है उसका केयर कुछ अलग होता है और जो गमले में प्लांट है उसका केयर कुछ अलग होता है। गुलाब एक ऐसा पौधा है जिसको ढेर सारा खाना चाहिए होता है, अलग अलग वैरायटी के खाना चाहिए होता है। तो इन पौधों से, गुलाब के पौधों से बहुत अच्छा ब्लूम्स पाने के लिए इसको बहुत अच्छा अच्छा खाना प्रोवाइड करना चाहिए होता है। तो आज सिर्फ खाना तो प्रोवाइड करना ही है, साथ में कुछ छोटी छोटी चीज़ का हमें ध्यान रखना है जिससे हमें बहुत ज़्यादा हमें फ्लावर्स मिल सकता है। और ये जो सीज़न है फ्रेंड्स, ये गुलाब का सीज़न है। गुलाब ऐसा फूल है जो सबका प्रिय फूल है, तो हर कोई चाहता है अपने गार्डन में गुलाब के प्लांट्स, और सिर्फ प्लांट्स नहीं, गुलाब के प्लांट्स में भर के फूल। तो आज मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स कि हम लोग इस समय छोटे छोटे कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम लोग ऐसा कौन सा फर्टिलाइज़र दे ताकि गुलाब में बहुत सारा ब्लूम्स हमें मिल पाए। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसा चीज़ बताने जा रही हूँ जिसको डाल के आपको भी इतना ही अच्छा फ्लावरिंग मिल सकता है। जिन्होंने अभी तक अपने गुलाब को केयर नहीं भी किए होंगे उनको भी बहुत अच्छा फ्लावरिंग मिल सकता है। तो ये जो आपको दिखाने जा रही हूँ, ये जो फर्टिलाइज़र है इसको मैं अमृत बोलती हूँ। बहुत लोग इसको सोना बोलते हैं और सही में ये सोना है, ये अमृत है विंटर के सारे पौधों के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो है आपको दिख रहा होगा ये है अमृत। ये मेरे सारे ये गुलाब के पौधों के लिए अमृत समान है। आपको जितना भी ब्लूम्स दिख रहा है इसका बहुत बड़ा रोल है। और आपको मैं अपने गार्डन अपडेट्स जो दिखाती हूँ उसको भी उसमें भी मैं दिखाते रहती हूँ कि मैं किस समय इसको दी हूँ। थोड़े टाइम पहले ही मैं इनको ये खाद प्रोवाइड की थी और शायद किसी वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर भी की थी। और आज मैं फिर से बताऊँगी फ्रेंड्स, खासकर जो नए सब्सक्राइबर है उनके लिए, कि ये हम लोग किस तरह बनाते हैं। बहुत लोगों को कन्फ्यूज होता है कि ये हम लोग किस तरह बनाते हैं। तो ये है जो है मस्टर्ड केक यानी सरसों खली खाद। सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइजर है और इसको बनाने में 2 से 3 दिन एटलीस्ट समय चाहिए होता है आपको। ये देखिए, ये है मस्टर्ड केक यानी सरसों खली। बहुत सस्ते में ये मिल जाता है, कहीं 25 रुपए किलो, कहीं 30 रुपए किलो, तो कहीं 40 रुपए किलो। यानी आप मान लीजिए मोटा मोटा 25 से 40 रुपए किलो में आपको ये मिल जाता है। और आप अगर देखें, ये मेरा जितना आपको दिख रहा होगा कितने सारे गुलाब के प्लांट है, ज़मीन में है, गमले में है मेरे प्लांट्स। अगर मैं मेरे पास मेरे ख्याल से एटलीस्ट 20 पौधा तो होगा ही, 20 से ज़्यादा ही होगा गुलाब के प्लांट्स। और उसके लिए फ्रेंड्स, उसके लिए इसका एक मुट्ठी भी काफ़ी है। तो मैं जब भी ये लिक्विड फर्टिलाइजर बनाती हूँ तो इसका 2 मुट्ठी लेती हूँ। ये देखिए, ये मेरा 1 मुट्ठी है। ऐसे 2 मुट्ठी सरसों खली खाद लेती हूँ और इसके साथ ही ये है नीम खली खाद। इसको अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तब भी चल सकता है। इसको मैं इसलिए डालती हूँ, ये पौधे का रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उसको बढ़ाता है, फंगस वगैरह होने नहीं देता है। तो ये जो है ये आपको, अगर 2 मुट्ठी आप सरसों खली दे रहे हैं तो आधा मुट्ठी आपको नीम खली ऐड करना है। कैसे भी आप कंटेनर एक ले लीजिए और उसमें आप पानी ले लीजिए। पानी कितना लेंगे आप, पानी इतना ले लीजिए।
तो करीब आप मान सकते 1 लीटर 2 लीटर पानी ले लीजिए, और उसमें फिर आप 2 मुट्ठी सरसों खली और आधा मुट्ठी नीम खली इसमें ऐड कर दीजिए। इसको 2 से 3 दिन आप इसको रख दीजिए पानी में। जब आप पानी में इसको रखेंगे तो ये क्या होगा, ये देखिए इस तरह ये घुल जाता है पानी में, ये देखिए ये घुल जाता है। लेकिन जो थिक, काफी थिक आपका होगा, काफी थिक ये पानी तैयार होगा, तो हमें इतना थिक को पौधे में अप्लाई नहीं करना है। तो सपोज हम लोगों ने 3 दिन पहले इसको भिंगा दिए थे और ये तैयार है, और फिर जब डालना है हमें प्लांट में, तो ऐसे आप एक बाल्टी, दूसरा एक बाल्टी ले लीजिए, उसमें ये सिर्फ पानी आप भर लीजिए फ्रेंड्स, ये पानी भर लीजिए। ये 10 लीटर का बाल्टी है, और 10 लीटर में अगर आप ये एक मग्गा देंगे तो काफ़ी रहता है। ये एक मग्गा आपको आप भर के एक मग्गा ले लीजिए, और इसको आप इस बाल्टी में, ये 500 ml का है ये, और आधा लीटर करीब मैं इसमें 10 लीटर में डाल दे रही हूँ। और थोड़े दिन बाद जब थोड़ा ज़्यादा ठंड हो जाएगी तब हम लोग इसको फिर से प्रोवाइड करेंगे, और तब मैं क्या करूँगी कि 1 लीटर यानी 2 डब्बा, 1 लीटर अगर आपके पास बड़ा मग्गा है, जैसे कि ये मग्गा, ये 1 लीटर का होगा मग्गा, तो 1 लीटर पूरा इसमें डाल देना है। तो अभी आप देखिए इसका रंग एकदम कम है, और अगर आपके वहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंड है तो आप और एक मग्गा इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि ठंडी में ये इस पर गर्माहट भी होती है सरसों खली में, तो बहुत अच्छा रहता है प्लांट के लिए, तो आप इसको डाल दीजिए। ये फ्रेंड्स मैं अपनी बात करी, और ये तो आपका प्योर ऑर्गेनिक खाद हो गया, लेकिन लेकिन अगर मैं सरसों खली की बात करूं तो सरसों खली में आपको NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये तीनों रहता है, तो तीनों चीज प्लांट को मिल जाता है। लेकिन अच्छा ब्लूम्स पाने के लिए फास्फोरस इस समय बहुत चाहिए होता है, तो आपको जानना है कि फास्फोरस किससे मिलता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि सरसों खली में ऑलरेडी फास्फोरस रहता है, लेकिन आप अगर चाहे तो और फास्फोरस ऐड कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे? तो मैं अगर अपनी बात करूं, मैं फास्फोरस के लिए ये देखिए ये बोन मील मैं डाल देती हूँ प्लांट में, और ठंडी में करीब आप मान लीजिए 25 से 30 दिन में एक बार बोन मील डालती हूँ, 1 महीना में एक बार, ज़्यादा नहीं डालना है। एक पौधे में इतना जड़ से थोड़ा दूर इसको डाल देती हूँ, तो ये बहुत अच्छा काम करता है। और बाकी लोग क्या करते हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये खाद है मेरे पास, ये खाद है, ये जो है इसमें फ्रेंड्स सरसों खली भी है, बोन मील भी है, और नीम खली भी है, तीनों मिला हुआ है, और ऐसे मिला हुआ आपको खरीदने को भी मिलता है, और आप चाहे तो घर में भी आप इसको ऐसे तैयार मिला के रख सकते हैं, और फिर इतना इतना आप प्रोवाइड करा सकते हैं। ये थोड़ा सा स्लो काम करेगा, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में है तो स्लो काम करेगा, लेकिन आप जब भी कोई चीज़ लिक्विड फॉर्म में देते हैं वो थोड़ा फास्ट काम करता है। तो बहुत, ये तो ऑर्गेनिक हो गया जो मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन बहुत लोग इसमें आप चाहे तो DAP भी डाल सकते हो, DAP डाई अमोनियम फॉस्फेट, डाई अमोनियम फॉस्फेट, तो फॉस्फेट पे आपका फॉस्फोरस मिल जाता है। आप जब भी कुछ चीज डालते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें कंटेंट क्या है, और हमें हमें अपने प्लांट्स के लिए इस समय क्या चाहिए, इस समय फॉस्फोरस चाहिए। तो फॉस्फोरस कहाँ से मिलेगा, जैसे कि मैंने बताया DAP डालते हैं, ये आपका केमिकल फर्टिलाइजर है, तो DAP में फॉस्फोरस भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, अमोनियम से नाइट्रोजन इसको मिल जाता है। तो ये देखिए ये डब्बा है, मैं ज़्यादा यूज नहीं करती हूँ इसको, यूज करती हूँ विंटर के एंड में, विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स में ज़रूर डालती हूँ, और जब कोई प्लांट्स में ऑर्गेनिक से कोई काम नहीं बनता है, एकदम ख़राब हो जाता है, तब मैं जब ज़रूरत पड़ता है तो बिल्कुल यूज़ करती हूँ, लेकिन इन जनरल मैं नहीं यूज़ करती हूँ। तो DAP के ऐसे दाने होते हैं, ये देखिए ये DAP के दाने हैं, तो एक पौधे के लिए मुश्किल से आपको 8 से 10 दाने ऐसे देना है। तो आप देख लीजिए कि आपके कितने पौधे हैं, उस हिसाब से आप ऐसे दाने को आप अपने जो सरसों खली आप भिंगोते हो, जो सरसों खली भिंगोते हो उसी में आप डाल सकते हो, और फिर
इसका यूटिलाइज आप कर सकते हैं। तो इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आता है डीएपी, क्योंकि बहुत फास्ट काम करता है। तो जो ऑर्गेनिक होता है वो आपके पौधों का जो उम्र है वो बढ़ाता है। तो गुलाब जो है हमारा पेरिनियल प्लांट है, उसको हमें लंबे समय तक चलाना है, तो बेटर यही होता है कि हम जो केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ कम करें। जो सीजनल प्लांट्स होते हैं वो शॉर्ट लिविंग होता है, वो 3-4 महीने ही आपको फूल देता है। तो आप केमिकल फर्टिलाइजर थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ मत कीजिए, क्योंकि उससे जो आपका जो मेन मिट्टी है वो ख़राब हो जाता है। तो आपको मैं सजेस्ट यही करूँगी कि बहुत ज़्यादा आप केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ नहीं करिए, थोड़ा बहुत कर सकते हैं। ये तो था फर्टिलाइज़र की बातें। उसके अलावा भी हमें कुछ और छोटे छोटे चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे कि ये देखिए, ये एक डेड फ्लावर यानी सूखा हुआ फूल है, और इसके पहले ही हमें, इतना ज़्यादा सूखने के पहले ही हमें इसको प्लांट से हटा देना है। तो कैसे हटाना है फ्रेंड्स, ये देखिए कि 2 से 3 पत्तियाँ को छोड़ के आपको हटा देने हैं। आप जितना दिन इसको प्लांट में रखेंगे, ऐसे फूल को, नया ब्रांचेज आने में उतना ज़्यादा डिले होगा, क्योंकि प्लांट का जो एनर्जी है, जो भी हम फर्टिलाइज़र वगैरह दे रहे हैं, वो एनर्जी ब्रांचिंग ना होके वो क्या करेगा कि ये फूल को सूखने में मदद करेगा। तो इसीलिए ऐसे ब्रांच को हमें काट के हटा देनी है। इधर भी आप देख सकते हैं, ये झड़ चुका है, ये झड़ने ही वाला है, ये देखिए झड़ गया, और ये भी पुराना हो चुका है। तो ये सारे जो भी ऐसे हैं, इसको यहाँ से हमें कट कर देनी है। बहुत दिन तक ऐसे फूलों को रखना नहीं है प्लांट में, क्योंकि इसमें भी प्लांट की एनर्जी चली जाती है। आप देख सकते हैं, कटिंग के नीचे से ही जो लीफ नोड है, वहाँ से न्यू ब्रांच निकली हुई है। यहाँ कट किए थे, और इसके यहाँ पर देखिए नीचे से 2 ब्रांच, एक ये और एक दूसरा, दोनों ब्रांच में आप देख सकते हैं कली के साथ है। तो अभी जो भी ब्रांचेस निकलेगी उसमें कलियाँ ज़रूर रहेगी। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा भर के फ्लावरिंग हुई है। और जब ऐसे फ्लावरिंग होता है तो जो मिट्टी है उसको बिल्कुल भी सूखा नहीं छोड़ना है, एकदम एकाएक ड्राई नहीं करना है, क्योंकि उससे क्या होता है, जो आपकी फ्लावर्स है वो, उसका जो जो समय है फ्लावर्स चलने का वो कम हो जाता है। तो मॉइस्चर बना के रखना है, मैं सौगी नहीं बोल रही हूँ फ्रेंड्स, मॉइस्चर बना के रखना है। डेड हेडिंग तो करना ही है, सूखे फूल को हटा देना है। उसके साथ साथ जो सूखी डालियां है, जैसे कि ये देखिए ये सूखी डाली है, इसको भी हमें काट के हटा देनी है। तो कई बार हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, और उसका जो ओवरऑल इफेक्ट होता है वो बहुत अच्छा नहीं रहता है। तो सूखे जो डालियाँ है उसको हमें हटा देनी है। ये देखिए ये सूखे डालियाँ है, ये सारे को यहाँ से हमें काट देनी है। फ्रेंड्स, ये जो एरिया होता है ये ग्राफ्टेड एरिया होता है, और यहाँ से जो भी शूट्स निकलती है वो बैसल शूट कहलाता है। और ये आप देख सकते हैं, ये ऐसे रेडिश रंग का निकलता है। तो जो बैसल शूट होता है वो बहुत ज़रूरी होता है प्लांट्स में, तो बैसल शूट हमें चाहिए होता है। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए प्लांट्स को हमें एनर्जी देना है, वो खाने से ही होता है, इसको अच्छा फर्टिलाइज करने की ज़रूरत होती है। तो बैसल शूट्स को हमें नहीं हटाना है, लेकिन इसके जगह ये जो ग्राफ्टेड एरिया, इसके नीचे के पोर्शन से ग्रीन कलर के शूट्स निकलते हैं, उसको हमें नहीं रखना है। वो सकस होता है, और वो सकस प्लांट्स के एनर्जी को चूस लेता है, तो वो सकस हमें नहीं चाहिए होता है, सकस को हटाना है। जैसे कि आपको बताई कि पहचान कैसे करेंगे, क्योंकि वो ग्राफ्टेड एरिया के नीचे ही होता है, कई बार पहचान में नहीं आती है क्योंकि सेम एरिया से ही निकल जाती है। तो अगर रेडिश है तो बैसल शूट है, और अगर ग्रीन कलर का निकलती है तो आपका वो सकस है, और उसको आपको तुरंत हटा देना है अपने प्लांट से। गुलाब में इंसेक्ट्स पेस्ट का काफ़ी ज़्यादा अटैक होता है, और उसमें भी जो एफिड्स होता है वो सबसे ज़्यादा लगता है। तो इससे हमें अपने प्लांट्स को बचाना है। ये ज़्यादातर जो न्यू कलियाँ है, नई पत्तियाँ है, उसमें लगते हैं, जिससे आप देख सकते हैं पत्तियाँ कर्ल होती है और सूखने लगते हैं। तो इससे हमें प्लांट्स को अपना बचाना है। और आप सिंपल पानी का छिड़काव कर सकते हैं, स्प्रे करके पानी दे सकते हैं।
हफ्ते 10 दिन में एक बार नीमॉल स्प्रे या फंजीसाइड स्प्रे वगैरह आप कर सकते हैं, और गुलाब के लिए बहुत ज़रूरी होता है ये करना। गुड़ाई भी बहुत ज़रूरी होता है गुलाब के पौधों में, इनफैक्ट सारे ही प्लांट्स के लिए। तो गुड़ाई करते रहिए, इससे एक तो जो मिट्टी है वो पोरस बनता है, अच्छा एरेशन होता है, और दूसरी की जो फंगस लगने का जो चांसेस होता है वो एकदम कम हो जाता है। तो गुड़ाई बहुत ज़रूरी होता है गुलाब के प्लांट्स के लिए। ये देखिए ये गमले का प्लांट, ये देखिए इसका कंडीशन आप देख सकते हैं किस तरह, ये इसमें बैसल शूट्स भी निकल रहा है, और ये देखिए ये ब्रांचेस भी निकल रही है, ये देखिए। तो केयर जो है वो सबको चाहिए, वो चाहे गमले में हो या फिर ज़मीन में हो। गुलाब में बिना केयर के आपको फ्लावरिंग नहीं मिल सकता है, ये आप गांठ बांध लीजिए, फ्लावरिंग नहीं मिल सकता। ये देखिए कैसे निकल रही है। दोस्तों आपको मेरा ये गुलाब गार्डन कैसा लगा, ये जो टिप्स है ये कैसा लगा ज़रूर शेयर करें, और फ्रेंड्स इसी तरह चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।